तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तालिमपुर एसएनएस वार्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, गुड्डू राय जी के घर में फिर से आ गए हैं और पुराना घर है, मिट्टी वाला घर है, यही कारण है कि सांप जो है काफी संख्या में है। तो दोस्तों, 3 रेस्क्यू हो चुका है और ये लोग बता रहे हैं कि 2 सांप और हैं। तो नाइट का समय है, चलिए रेस्क्यू करते हैं और दिखाते हैं कि ये वाला कौन सा सांप है। वैसे ये लोग कोबरा बता रहे हैं। ये मर्दे हम तो टी शर्ट वा खोल के जैसे कॉल पर बैठाई भरी तो जब फोन आये तब लाइट दिखाएगा। हम दिखाइए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं टबो ना कहियो सगर किधर से जाइएगा? इधर से आ जाइए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्पेक्टिकल कोबरा काफी बड़ा साइज का है। मैं आई थी दोस्तों, नीचे नीचे आप लाइट जलाइए। इस घर में अभी तक लाइट है। और दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं काफी बड़ा साइज का है। धूप जाइए, एगो डिब्बा ले ले। बताइए, देखा आदमी कहाँ कैसे बैठ गया है? नहीं होगा, मसाला उसाला खाली करवा के लिए होता ही छोटा हाथ है पकड़ कर जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं काफी बड़ा साइज का है। चलिए अरे लाए तो बारा ना हो मुन्ना वही लग है। मुन्ना नार ले ना, फोन करियो जा के लाइट दिलक ऊपर कर ले। अब लिख देंगे और फोन कर देंगे। मेरे का बस मुड़ी आ गया ऊपर। वीडियो आप देख रहे हो कहाँ मारा बाबू? लास्ट ही है मन की। और तो गिरा के वहां दूर है पर ये तो मैं तो दूर पर चले है पैदल। सुबह का हो गया दोस्तों, सांप को तो डब्बे में पैक कर दिया गया है। 6
छोटा सा डब्बा था और छोटा सा डब्बा में सांप को पकड़ने में बहुत सारा दिक्कत होता है। तो चलिए दोस्तों, इस घर से चार सांप को रेस्क्यू कर लिया गया है और चारों को एक साथ जंगल में छोड़ दिया जाएगा कल सुबह में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सांप को निकालने के लिए कितना सारा दीवार को तोड़ा गया है। और दोस्तों काफी मेहनत करने के बाद इसमें चलो स्पेक्टिकल कोबरा और काफी बड़ा साइज का सांप था। क्योंकि रात तो काफी हो चुका है तो थैंक यू सुबह देगा।